पटना जिला परिषद और पंचायत समिति के उपचुनाव में महागाड़ी ने 5 सीटों पर जीत हासिल की, जिसमें कांग्रेस के 2, जिला परिषद और पंचायत समिति के 3 सीटें शामिल है। नीलडोह सर्कल से जिला परिषद सदस्य पद पर कांग्रेस संजय जगताप, पंचायत समिति सदस्य पद पर वैशाली काचोरी विजय हुई। वहीं डिगडोह सर्कल में राष्ट्रवादी से जिला परिषद सदस्य पद पर राष्ट्रवादी की रश्मि काटगुले, राष्ट्रवादी की रश्मि कोटगुले और पंचायत समिति सदस्य पद पर उमेश सिंह राजपूत विजयी हुए और नेरी मानकर सर्कल से पंचायत समिति सदस्य पद पर रूपाली खाड़ी विजयी हुई, जबकि जिला परिषद और पंचायत समिति भाजपा महज 2 सीटें पर ही सिमट गई, जिसमें जिला परिषद सदस्य पद पर अर्चना गिरी और पंचायत समिति सदस्य पद पर लीलाधर पटले विजयी हुए। म्हणजे खूप आनंद झालेला आहे, मी तुम्हाला तो आनंद सांगू शकत नाही आता, कारण की डबल निवडणूक ही OBCच्या कारणामुळे मला डबल लढावं लागलं। त्यानिमित्ताने मला माझ्या कार्यकर्ता, माझे मेंबर, त्यांनी मला खूप बहुमताने त्यांनी मला लाभ दिलेला आहे, त्याबद्दल त्यांचे मी आभार मानते आणि मला त्यांनी डबल संधी दिली आहे त्यांची सेवा करायची, त्याबद्दल मी त्यांचे धन्यवाद। माननीय आमदार समीरजी मेघे इनके नेतृत्व पर विश्वास रखते हुए इस आसनी की संपूर्ण जनता ने भारतीय जनता पार्टी के पैनल को यानी अर्चना दाई कैलाश जी गिरी और लीलाधर भाव पटले इनको प्रचंड बहुमतों से विजय किया है। ये सही मायने में विकास की जीत है, भारतीय जनता पार्टी के अनेक कार्यकर्ता जो दिन रात मेहनत में लगे हुए थे उनकी जीत है। 2020 मध्ये भारतीय जनता पक्षाच्या वतीने अर्चना गिरी ह्या निवडून आल्या होत्या, परंतु OBC आरक्षणाच्या तांत्रिक अडचणीमध्ये त्यांचं पद गेलं, पुन्हा पक्षाने त्यांच्यावर विश्वास ठेवत त्याचप्रमाणे लीलाधरजी पटले पंचायत समिती यांच्यावर विश्वास ठेवत पक्षाने उमेदवारी दिली। जनतेच्या मतदारांच्या डिगडोह इसासनी क्षेत्रातील प्रत्येक सामान्य कार्यकर्त्याच्या मदतीनं आज हा विजय प्राप्त झालेला आहे, त्यामुळे डिगडोह उपसरपंच या नात्यानं मी डिगडोह इसासनीमधील सर्व भारतीय जनता पक्षाच्या कार्यकर्त्यांचे, नेत्यांचे आणि सर्व तळागाळातील कार्यकर्त्यांचे मी आभार व्यक्त करतो। मैं ये बोलना चाहूँगा, मेरे इसासनी और डिगडोह के लोगों ने इतना मेरे ऊपर प्यार दिया और अपने सेवा करने का जो मौका दिया है, मैं उनका खूब खूब आभारी हूँ और धन्यवाद मानता हूँ। और इतना लोगों का प्यार मेरे साथ में है तो मैं भी लोगों के साथ में रहूँगा और जो काम है विकास करने के वो उसके लिए मैं हमेशा तत्पर रहूँगा, यही मैं बोलना चाहता हूँ। हाँ, जनते का विजय है, जनते ने बोलो, हाँ जनते का विजय है। जनता ही भाजप सरकार असलेली जी सेंट्रलची जी सरकार आहे, मोदीची सरकार आहे, त्याला संपूर्ण जनता ही त्रासलेली आहे आणि त्याच्या निषेधार्थ म्हणून आज जनतेने दिलेला कौल असून त्या परिसरात मागील काही वर्षांमध्ये जे विकासात्मक कामाला गती मिळाली नाही त्याच्या विरोधात दिलेला हा कौल असून हा जनतेचा कौल मला मान्य आहे, जनता ही विजयी झालेली आहे। BCN न्यूज के लिए हिंगना से आशीष कुंडाने की रिपोर्ट।